मेरे दोस्त, जब आप लोग पहली बार अपनी आंखों से कोई चॉपर बाइक देखेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग शायद सबसे पहले उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल पर ध्यान देंगे, जैसा कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चॉपर बाइक के इन्वेंटर का कहना है कि ये चॉपर बाइसाइकिल बहुत कूल होने के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी बेहद अच्छे से ध्यान रखती है। इस चॉपर बाइक का स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन लगभग 90 पाउंड्स है। इस बाइक में इतना वजन होने के बाद भी आप लोग इसे इजीली राइड कर सकते हैं। इसमें लगे फंक्शंस भी बेहद ज्यादा हैं। और अगर हम लोग इसके रियर टायर की बात करें तो इस टायर का डिजाइन स्पेशली इसी चॉपर बाइक के लिए किया गया है, जो कि 12 इंचेस वाइड है। इसकी स्पीड और इसमें लगी डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो दोनों ही बेहद कंफर्टेबल है। इसकी लेंथ की बात करें तो इस बाइक की लेंथ 8.8 फीट है। मेरे दोस्त, एक बार जरा इस सुपर कार पर नजर डालिए। शायद ये कार आप सभी को फेरारी या फिर लैम्बोर्गिनी कार की याद दिला रही होगी। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेक इन्फॉर्मर के अमेजिंग बाइक्स के इस एपिसोड में इस कार को आखिर क्यों शामिल किया गया है। जरा सब्र रखिए और अब ध्यान से सुनिए। ये कोई सुपर कार नहीं, बल्कि एक फोर व्हील्ड बाइसाइकिल है। इसके अंदर इसमें बड़ी सी टोए कार का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं और दोनों ही पैडल मारकर इस कार को चला सकते हैं। इसमें लगा एल्यूमिनियम का फ्रेम भी इसे काफी ड्यूरेबल बनाता है। इसमें लगे 11 स्पीड गियर से आप लोग इसे अपने हिसाब से कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट राइड के लिए LED लाइटनिंग भी लगाई गई है। इसके मैन्युफैक्चरर ने इसका नाम भी फेरादी फेरफला रखा है, जो कि जर्मन लैंग्वेज में बोलने में फेरादी मतलब फरारी और इटालियन लैंग्वेज में फेरफला मतलब बटरफ्लाई। लेकिन मेरे दोस्त, ये बाइक फरारी जैसी तो दिखती है, लेकिन आप लोग इसमें बैठ कर बटरफ्लाई की तरह उड़ नहीं सकते। मेरे दोस्त, मान लीजिए अगर आप लोग अपनी बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं और आसपास के सभी लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बाइसाइकिल पर है, तब आप लोग उस बाइसाइकिल के साथ खुद को कितना लकी फील करेंगे। मेरे दोस्त, इस मॉन्स्टर बाइसाइकिल की स्पीड पैदल चलने वाले लोगों से भी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जब आप लोग इस मॉन्स्टर बाइसाइकिल पर राइड करेंगे, तब आसपास के लोगों का ध्यान आप पर ना पड़े, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस मॉन्स्टर बाइसाइकिल का सबसे मेन फीचर इसमें लगाया गया मॉन्स्टर ट्रक का टायर है, जिसकी वजह से बाइसाइकिल का राइडर सिर्फ कार से ही नहीं बल्कि कुछ ट्रक से भी ऊंचा बैठकर इसे राइड कर सकता है। इस बाइसाइकिल में पीछे की ओर चार छोटे टायर लगाए गए हैं, जो कि इसे बैलेंस्ड और स्टेबल रखते हैं। इस मॉन्स्टर बाइसाइकिल की स्पीड सिर्फ 1.8 माइल्स पर आवर है, लेकिन इस मॉन्स्टर बाइसाइकिल को राइड करने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि आपके लिए बेहद हार्ड हो सकती है। लेकिन फिर भी कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी आपको कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस बाइसाइकिल से आप बाकी लोगों का ध्यान आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अभी जो बाइसाइकिल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिखने में बेहद कूल है, लेकिन इसके इन्वेंटर के लिए ये एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है कि आखिर उसने इस तरह की बाइसाइकिल बनाई ही क्यों। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वॉकिंग बाइसाइकिल देख रहे हैं, उसे जब आप लोग राइड करेंगे, तब आपको एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट फील होगा। इसे राइड करने पर आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। इसमें लगी फोर लेग्स नॉर्मल बाइसाइकिल की तरह ज्यादा कुछ बाउंस किए बिना ही जमीन पर मूव करती है, जिसमें कि आपको ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता। इसमें लगी लेग्स की हाइट भी 24 इंचेस है, जो कि बेहद मजबूत मटेरियल से बनाई गई है। हालांकि आप लोग इस पर अकेले बैठकर मॉर्निंग राइड कर सकते हैं, लेकिन इस बाइसाइकिल पर कुछ भारी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
जो कि आपको बेहद जल्दी ही थका सकती है। लेकिन इस बाइसाइकिल के इन्वेंटर के लिए टेक इन्फॉर्मर का सलाम और आप सभी का एक लाइक तो बनता है। मेरे दोस्त, आप सभी ने अपने ट्रेनर से ये जरूर सुना होगा कि रनिंग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन कभी कभी ग्रेविटी और शरीर में ज्यादा वजन की वजह से रनिंग आपके नी जॉइंट्स और लिगामेंट्स के लिए खतरा बन जाती है। तो मेरे दोस्त, रनिंग को इजी बनाने के लिए टेक इन्फॉर्मर के इस एपिसोड में मैं आपके लिए यूएस के इंजीनियर्स द्वारा स्पेशली एडल्ट्स के लिए बनाई गई रनिंग बाइसाइकिल लेकर आया हूँ, जो कि रनिंग को बेहद कंफर्टेबल बना देती है। इस बाइसाइकिल में बेल्ट्स पर लगी सीट पर बैठकर रनर काफी लंबे समय तक और सेफली रनिंग कर सकता है। इस बाइसाइकिल पर रनिंग करने से आपकी लेग्स को आपकी बॉडी का 50% कम वेट उठाना पड़ेगा। इस बाइसाइकिल की खास बात तो ये है कि इसे आप लोग फोल्ड करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में भी डाल सकते हैं। इस बाइसाइकिल का वजन अलग अलग मॉडल के हिसाब से 230 टू 330 पाउंड्स के आसपास होता है। मेरे दोस्त, क्या आप लोग बाइसाइकिल पर राइड करना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब भी हाँ में है, तो अगर आप किसी स्टोर पर सामान लेने जाते हैं तो एक नॉर्मल बाइसाइकिल पर आपको सामान लेकर आने में बेहद परेशानी होगी। तो टेक इन्फॉर्मर के इस एपिसोड में मैं आपकी इस समस्या का भी समाधान लेकर आया हूँ। अभी जिस बाइसाइकिल को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप लोग 400 पाउंड्स तक का वजन भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इस बाइसाइकिल को फोल्डिंग डिजाइन में बनाया गया है। इस बाइसाइकिल को राइड करने पर आप लोग क्रूजर बाइक जैसी फील ले सकते हैं और एक कार्गो व्हीकल जितना वेट आप लोग इस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस बाइसाइकिल को आप लोग चंद ही सेकंड्स में फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी टूल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब आप लोग इस बाइसाइकिल को अनफोल्ड करते हैं, तब आपको इस पर 15x23 inches का फ्री स्पेस मिल जाता है, जिस पर आप लोग अपना कुछ भी सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस बाइसाइकिल के मार्केट में दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक तो रेगुलर मॉडल जिसका वेट 68 पाउंड्स है और एक ई बाइक मॉडल जिसका वेट 81 पाउंड्स है। तो मेरे दोस्त, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर टेक इन्फॉर्मर के इस एपिसोड की अगली और आखिरी बाइसाइकिल देख रहे हैं, जिसे राइड करने पर आप लोग आसानी से आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। ये बाइसाइकिल मिस्टर मैश नाम के एक इंसान ने अपनी गाड़ी के पुराने टायर्स का इस्तेमाल कर अपने बेटे के लिए इन्वेंट की है। इस बाइसाइकिल में BMX स्टंट बाइक का फ्रेम और हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके डिजाइन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसके हैंडल बार पर लाइटनिंग भी लगाई गई है। इसके फ्रेम का डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि एक एडल्ट इंसान इसे आसानी से कंफर्टेबली राइड कर सकता है। इसके इन्वेंटर के हिसाब से अगर इसके फाइनल वेट की बात करें तो इसका वेट 77 पाउंड्स है। इसमें लगे गियर्स का इस्तेमाल कर इसे आसानी से स्पीडली चलाया जा सकता है। इस बाइसाइकिल पर आप लोग आसानी से बिना थके लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को टेक इन्फॉर्मर के इस एपिसोड में दिखाई गई बाइसाइकिल्स कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।